नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 1 के 6 अध्याय तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हमने देखा अयस्क क्या हैं, अपयस्क क्या है, अयस्क के सांद्रण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनको किस प्रकार से ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है निस्तापन तथा भर्जन के द्वारा, फिर उनका अपचयन। दूसरे भाग में हमने जाना अपचयन हम किस पदार्थ के द्वारा करें, क्या अपचायक के रूप में कार्य लिया जाए, उसके लिए एलिंगम डायग्राम से यह सीखा कि दो कंबाइंड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आना चाहिए, वह अच्छा अपचायक का कार्य करेगा। उसमें ग्राफ में जितना ऑक्साइड के नीचे अपचायक की लाइन होगी उतना ही उनका डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव आ पाएगा और वह एक अच्छा अपचायक का कार्य करेगा। उसी में हमने आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करने का वात्या भट्टी के द्वारा अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निष्कर्षण, जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण तथा ऑक्सीकरण, अपचयन और धातु कर्म में वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे। क्यूप्रस ऑक्साइड कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड से तांबे या कॉपर का निष्कर्षण। ऑक्साइडों के विरचन के लिए डेल्टा जी आर नॉट तथा टी के मध्य आलेख में डेल्टा जी आर नॉट CU2O की रेखा लगभग शिखर पर है। अतः कॉपर के ऑक्साइड अयस्कों को कोक के साथ गर्म करके सीधे धातु में अपचयित करना अत्यधिक आसान होता है। हम एलिंगम डायग्राम में देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड की लाइन सबसे ऊपर है, इसलिए हम इसे कार्बन कन्वर्टिंग इनटू CO, CO कन्वर्टिंग इनटू CO2 किसी भी अपचायक के द्वारा आसानी से अपचयित कर सकते हैं। यहाँ देखें, विशेषकर 500-600 केल्विन के बाद सी कन्वर्टिंग इनटू CO तथा सी कन्वर्टिंग इनटू CO2 दोनों ही रेखाएं आलेख में स्थिति में बहुत नीचे हैं। इस आलेख में देखें, इस डायग्राम में ये कॉपर ऑक्साइड की लाइन सबसे ऊपर है और सी कन्वर्टिंग इनटू CO की लाइन देखें, ये यहीं से इंटरसेक्ट करके काफ़ी नीचे आती जा रही है, सी कन्वर्टिंग इनटू CO है ना। और 600 डिग्री, मतलब 600 केल्विन का मतलब लगभग यहीं पर ही, ये 600 केल्विन के लगभग ही कॉपर ऑक्साइड की लाइन ऊपर है और सी कन्वर्टिंग इनटू CO2 की लाइन देख रहे हैं, ये सी कन्वर्टिंग इनटू CO2 की लाइन और ये सी कन्वर्टिंग इनटू CO की लाइन, दोनों ही लगभग 600 केल्विन पे इससे नीचे है। इस प्रकार नीचे जो लाइन आ रही है उसका क्रियाकारक तत्व ऊपर के ऑक्साइड को आसानी से अपचयित कर सकता है। इन दोनों की कपल्ड रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और हम जानते हैं जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी। इस प्रकार हम कार्बन को अपचयित करने के काम में CU2O के लिए ले सकते हैं और तापमान भी लगभग 600 केल्विन। बहुत से अयस्क सल्फाइड होते हैं, कॉपर के हम बहुत सारे अयस्क जानते हैं जहाँ सल्फाइड के रूप में कॉपर ग्लैंड्स के रूप में पाया जाता है तथा कुछ में लोहा भी हो सकता है। सल्फाइड अयस्कों का भर्जन गलन करने पर ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। भर्जन रोस्टिंग, जहाँ हम ऑक्सीजन के द्वारा रिएक्शन करा के मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं हम ऑक्साइड में? क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन ज़्यादा आसान है, इसलिए हम सल्फाइड ओर्स को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा, सल्फाइड की ओर लेने पे SO2 जैसी गैसें निकलती हैं तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करके या ऑक्साइड ओर अधिक प्रेफरेबल है। यहाँ देख रहे हैं रिएक्शन में CU2S का ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग कराया, भर्जन कराया, जहाँ कॉपर ऑक्साइड और SO2 गैस बन रही है। ऑक्साइड को कोक के द्वारा आसानी से धात्विक कॉपर में अपचयित किया जा सकता है। कॉपर ऑक्साइड को कोक के द्वारा कॉपर में कन्वर्ट कर लिया और कार्बन जो है वो CO बन गया है, तो कार्बन कन्वर्टिंग इनटू CO CU2O के लिए एक अच्छा अपचायक का कार्य कर रहा है। वास्तविक प्रक्रम में अयस्क को सिलिका मिलाने के बाद परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है। भट्टी में आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट के रूप में धातुमल बनाता है। क्यों मिलाया हमने सिलिका? क्योंकि कॉपर के साथ आयरन की इम्प्योरिटी होती है, आयरन ऑक्साइड SiO2 के साथ आयरन सिलिकेट के रूप में धातुमल बनके स्लैग के रूप में निकल जाएगा तथा कॉपर कॉपर मेट के रूप में प्राप्त होता है।
कॉपरमेट में Cu2S तथा FeS होते हैं। यहाँ देख रहे हैं रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी सिलिका मिलाने के कारण FeSiO3 धातु मल के रूप में निकल गई। इसके बाद कॉपरमेट को सिलिका परत चढ़े परिवर्तित में भर दिया जाता है, कुछ सिलिका भी मिलाते हैं तथा बचे हुए FeS, FeO तथा Cu2S, Cu2O को धात्विक कॉपर में परिवर्तित करने के लिए गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं। तब यह अभिक्रियाएं होती हैं, FeS ऑक्सीजन के साथ FeO में कन्वर्ट हुआ और SO2 बना रहा है। जो FeO बना है वह SiO2 जो हमने सिलिका मिलाया उसके साथ धातुमल बन के FeSiO3 बना के हट जाएगा। Cu2S वायु प्रवाहित करने के कारण Cu2O में और SO2 में परिवर्तित हो गया। Cu2O प्लस Cu2S अभिकृत होने पे 6Cu प्लस SO2 देते हैं। प्राप्त ठोस कॉपर तांबा SO2 के निकलने के कारण फफोलेदार दिखाई देता है, इसलिए यह फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर्ड कॉपर कहा जाता है। अब हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण। जिंक ऑक्साइड का अपचयन कोक द्वारा किया जाता है। इसमें कॉपर की स्थिति की अपेक्षा ताप अधिक रखा जाता है। तापन के लिए ऑक्साइड की कोक तथा मृदा के साथ छोटी छोटी ईंटें बनाई जाती है और यहाँ यह अभिक्रिया होती है। जिंक ऑक्साइड कोक के साथ अपचयित होकर जिंक में परिवर्तित हुआ और कोक CO में परिवर्तित हो गया। धातु को आश्वित कर तथा तीव्र शीतलन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो ये जल्दी ही मेल्ट होके आश्वित होके और फिर इसे हम शीतलित करके एकत्र कर लेते हैं। यहाँ देखें ग्राफ में ये जिंक ऑक्साइड की लाइन ये रही, जिंक से ZnO बनने की लाइन ये है। यहाँ हमने कार्बन कन्वर्टिंग इनटू CO को काम में लिया तो आप देख रहे हैं इस टेम्परेचर पे इंटरसेक्शन हो रहा है सी कन्वर्टिंग इनटू CO की लाइन का और जिंक ऑक्साइड की लाइन का यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अर्थात इस वाले पॉइंट के बाद हमें कोई टेम्परेचर चाहिए तो ये लगभग 1073 के बाद का टेम्परेचर होगा, क्योंकि ये देखिए 1073 पे तो ये लगभग इंटरसेक्शन है। उसके बाद के टेम्परेचर पे आप देखेंगे तो जिंक ऑक्साइड की लाइन ऊपर चली गई है और कार्बन कन्वर्टिंग इनटू CO की लाइन नीचे आ गई। इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी बढ़ गया है। अब इन दोनों कपल्ड रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ पाएगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाना और मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने की जो डेल्टा जी हम ऐड करते हैं उनको देखने पे डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तब हम इस टेम्परेचर पे यानी कि 1073 केल्विन के बाद कार्बन को जिंक ऑक्साइड के अपचयन में कार्य में ले सकते हैं। इस तरह हमने देखा किस प्रकार कॉपर के ऑक्साइड को अपचयित करने के लिए हम कोई भी अपचायक काम में ले सकते हैं, क्योंकि एलिंगम डायग्राम में कॉपर ऑक्साइड की लाइन सबसे ऊपर की तरफ है, अतः किसी भी अपचायक के द्वारा कॉपर ऑक्साइड को अपचयित किया जा सकता है। कार्बन कन्वर्टिंग इनटू CO या CO कन्वर्टिंग इनटू CO2 दोनों से ही हम कॉपर ऑक्साइड को अपचयित कर सकते हैं। जबकि जिंक ऑक्साइड के अंदर हमने देखा कुछ तापमान के बाद 1073 केल्विन के बाद यह रेखा ऊपर की तरफ जा रही है जिंक ऑक्साइड की और कार्बन कन्वर्टिंग इनटू CO की रेखा नीचे की तरफ, उन दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा है। और तब हम उस तापमान पे उन दोनों की कपल्ड रिएक्शन कराएं तो डेल्टा जी नेगेटिव आ पाएगा। इस प्रकार हम इस डायग्राम के द्वारा किस ऑक्साइड के लिए कौन सा अपचायक प्रयुक्त करना है तथा किस तापमान पे वह अच्छा कार्य करेगा यह ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातुकर्म के वैद्युत रसायन सिद्धांत के बारे में। धातुकर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत, धातु के गलित लवण का अपचयन वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, जिसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा समझा जा सकता है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट एफ माइनस एन ई नॉट एफ, जहां एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा ई नॉट निकाय के रिडॉक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव है। अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए उनका अपचयन कठिन होता है। यदि समीकरण में दो ई नॉट मानों में अंतर धनात्मक ई नॉट के एवं परिणामतः
ऋणात्मक डेल्टा जी नॉट के संगत हो तो कम क्रियाशील धातु विलयन से बाहर तथा अधिक क्रियाशील धातु विलयन में चली जाती है। इस अभिक्रिया में आप उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, यहाँ आयरन अधिक क्रियाशील है, वह Fe2+ बनके सॉल्यूशन में आ गया है, और कम क्रियाशील धातु अपचयित होकर कॉपर सॉलिड के रूप में प्राप्त हो रही है। तो कम क्रियाशील धातु बाहर आ जाती है और अधिक क्रियाशील धातु विलयन में चली जाती है। सामान्य वैद्युत अपघटन में Mn पॉजिटिव आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड पर विसर्जित होते हैं। Mn पॉजिटिव कैटायन है और कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इस प्रकार कैटायन कैथोड पर जाएगा और वहां अपचयित होकर विसर्जित हो जाएगा और वहां निक्षेपित हो जाएंगे। उत्पादित धातु की क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए सावधानियां रखी जाती हैं एवं उपयुक्त पदार्थों के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। कभी कभी गलित पदार्थ को अधिक सुचालक बनाने के लिए गालक मिला दिया जाता है। जैसे हम देखेंगे Al2O3 प्राप्त करने के बाद जब हम उसका विद्युत अपघटन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Na3AlF6 डाला जाता है, जो उसके कंडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा और मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। इस प्रकार हम वहाँ क्रायोलाइट ऐड करके उसको सुचालक भी बना रहे हैं और उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम भी कर रहे हैं। एल्यूमिनियम, इसके धातु कर्म में शुद्ध Al2O3 में Na3AlF6 क्रायोलाइट या CaF2 फ्लोरस्पार मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है और इसमें चालकता आ जाती है। तो क्रायोलाइट मिलाने के दो उपयोग हैं, एक तो मिश्रण का गलनांक कम करना और दूसरा चालकता को बढ़ा देना। गलित आधात्री मैट्रिक्स का विद्युत अपघटन किया जाता है, स्टील के कैथोड तथा ग्रेफाइट के एनोड उपयोग में लेते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार होती है, Al2O3 कार्बन से अपचयित होकर एल्यूमिनियम देता है और जो कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार कोक के द्वारा हमने Al2O3 को अपचयित कर एल्यूमिनियम में परिवर्तित किया। वैद्युत अपघटन की यह विधि हॉल हेरोल्ट प्रक्रम के नाम से सुप्रसिद्ध है। गलित का वैद्युत अपघटन एक वैद्युत अपघटनी सेल में कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एनोड के कार्बन से अभिक्रिया करके CO एवं CO2 बनाती हैं। इस प्रकार एल्यूमिनियम के प्रत्येक किलोग्राम के उत्पादन के लिए कार्बन एनोड का 0.5 किलोग्राम कार्बन जल जाता है। जब हम एल्यूमिनियम प्राप्त कर रहे होते हैं हॉल हेरोल्ट प्रोसेस के द्वारा, वहाँ हमें एनोड को बदलना पड़ता है, क्योंकि एक किलोग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने पे आधा किलोग्राम कार्बन जल जाता है। वैद्युत अपघटनी अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं, जहाँ कैथोड पर कैटायन जाएगा, Al2O3 में से कैटायन भाग Al3+ गलित में से 3 इलेक्ट्रॉन लेके और एल्यूमिनियम में अपचयित हो रहा है, और एनोड पे ऑक्साइड आयन आता है O2 नेगेटिव, और एनोड किसका है देखें ग्राफ इसमें फिगर में देखें, ये ग्रेफाइट के एनोड हैं, है ना, और ये ग्रेफाइट के एनोड पे जब ये कार्बन के साथ ऑक्साइड आयन मिलेगा तो ये CO और या फिर CO2 बना देगा। तो इन ऑक्साइड आयन के कार्बन के साथ क्रिया करके CO या CO2 प्राप्त करने के कारण यह कार्बन ख़त्म हो जाता है, अतः एनोड की रॉड को बदला जाता है जब ये ख़त्म होने लगती हैं। निम्न कोटि अपकृष्ट अयस्कों तथा रद्दी धातु से कॉपर। निम्न कोटि अपकृष्ट अयस्कों से कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातु कर्म द्वारा करते हैं। इसे अम्ल या जीवाणु के उपयोग से निक्षालित करते हैं तथा Cu2+ आयन युक्त विलयन को रद्दी लोहे या हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। इसमें हमने दोनों से ही क्रिया करके बताया है। ये देखें Cu2+ जब आयरन से अभिक्रिया करता है तो अधिक क्रियाशील धातु आयरन विलयन में Fe2+ आयन बन के चली जाएगी और Cu2+ आयन अपचयित होकर कॉपर सॉलिड के रूप में निकल जाएगा। इसी तरह से हम हाइड्रोजन के द्वारा भी Cu2+ को अपचयित कर सकते हैं, तो Cu2+ से कॉपर और H2 से H+ आयन प्राप्त हों। ऑक्सीकरण अपचयन। अपचयन के अतिरिक्त कुछ निष्कर्षण
विशेषतः अधातुओं के लिए ऑक्सीकरण पर आधारित है। अधिकतर हमने देखा धातु का निष्कर्षण जब हम करते हैं तो धातु हमें कैथोड पर प्राप्त होती है और जहां अपचयन होता है, लेकिन कुछ अधातुओं के लिए ऑक्सीकरण भी किया जाता है। उदाहरण के लिए लवण जल से क्लोरीन का निष्कर्षण, इस अभिक्रिया में देख रहे हैं क्लोराइड आयन प्लस 2H2O से 2OH नेगेटिव H2 गैस और क्लोरीन गैस मिल रही है। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट प्लस 422 किलो जूल है। डेल्टा जी का पॉजिटिव आना मतलब ये रिएक्शन अपने आप से संभव नहीं है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, इसके लिए हमें कोई ना कोई EMF बाहर से लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, तब हम इस रिएक्शन को संपन्न कर पाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है देखें, ये जो Cl नेगेटिव आयन है एनायन, ये एनोड पे जाएगा और इस तरह से क्लोरीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाएगा और यहाँ वाटर का अपचयन हो रहा है, यहाँ वाटर हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो रहा है। जब इसे ई नॉट में परिवर्तित करते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट इंटू एफ, इस फॉर्मूले के द्वारा जब हम उस जी नॉट को ई नॉट में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि जी नॉट पॉजिटिव था तो ई नॉट का मान हमें माइनस 2.2 वोल्ट प्राप्त होता है और इसके लिए इस रिएक्शन को कराने के लिए 2.2 से अधिक बाह्य विद्युत वाहक बल EMF की आवश्यकता होगी। बराबर EMF लगाते हैं तो इक्विलिब्रियम आता है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल लगाते हैं तो रिएक्शन जिस दिशा में हम चाहते हैं उसमें करवा पाते हैं, इसलिए 2.2 वोल्ट से अधिक बाह्य विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होगी। लेकिन वैद्युत अपघटन में कुछ अन्य बाधक अभिक्रियाओं पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त विभव की आवश्यकता होती है, अतः Cl2 वैद्युत अपघटन से प्राप्त होती है जिसमें हाइड्रोजन जलीय NaOH सह उत्पाद होते हैं। इसमें हमने देखा एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिल रही है और कैथोड पे वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस मिलती है और हमें जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वाटर का रिडक्शन होके हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पे और एनोड पे क्लोराइड आयन के ऑक्सीडेशन से क्लोरीन गैस तथा सॉल्यूशन में हमें NaOH प्राप्त होता है। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें NaOH प्राप्त हो रहा है और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। गलित NaCl मोल्टन NaCl का भी वैद्युत अपघटन किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ जल नहीं है, NaCl को ही पिघला दिया है और उसका हम वैद्युत अपघटन कर रहे हैं, इस स्थिति में Na धातु प्राप्त होगी तथा NaOH नहीं। जब हम मोल्टन NaCl गलित NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पे सोडियम धातु तथा एनोड पे क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। सोने और चांदी के निष्कर्षण में धातुओं का निक्षालन CN नेगेटिव के साथ किया जाता है, साइनाइड आयन के द्वारा किया जाता है। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इनके निष्कर्षण में भी हम देख रहे हैं किस प्रकार ऑक्सीकरण पहले हो रहा है। Ag जो है वो Ag+ में और Au गोल्ड Au+ में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ भी ऑक्सीकरण कराया जा रहा है। धातु को बाद में विस्थापन विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। देखेंगे कि जिंक कॉम्प्लेक्स में से इन मेटल को, गोल्ड और सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, तो इस तरह से जिंक वहाँ पर विस्थापन के लिए काम आता है। इस अभिक्रिया में जिंक अपचायक की तरह व्यवहार करता है। ये देखें, गोल्ड को एयर के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में और 8Cn नेगेटिव आयन के द्वारा जब हम रिएक्ट कराते हैं तो इस तरह का हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है, AuCn होल ट्वाइस नेगेटिव। यहाँ हमने ऑक्सीकरण किया है, Au जीरो स्टेट में था और यहाँ देखेंगे तो +1 स्टेट में आ गया है, तो इस तरह से यह भी ऑक्सीकरण पर आधारित है। फिर इस AuCn होल ट्वाइस नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का जिंक से रिएक्शन कराने पर ये Au को डिस्प्लेस कर देगा और हमें जिंक का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो इस तरह से हमें गोल्ड प्राप्त हुआ Au और ZnCn होल 4 2 नेगेटिव, टेट्रा साइनो जिंकेट सेकेंड, इस प्रकार से यह कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ भी ऑक्सीकरण पर आधारित है निष्कर्षण जो है, गोल्ड और सिल्वर का निष्कर्षण पहले ऑक्सीकरण करके Au या Ag+ में कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाया और उस कॉम्प्लेक्स का जिंक के द्वारा डिस्प्लेसमेंट से
AU या AG प्राप्त कर गया। इस तरह हमने देखा किस प्रकार हम अयस्क का सांद्रण करते हैं और सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं और वो प्राप्त धातु शुद्ध नहीं होती, उसके शोधन के बारे में पढ़ते हैं। शोधन किसी भी विधि द्वारा निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में सामान्य रूप से कुछ अशुद्धियां मिली रहती हैं। उच्च शुद्धता की धातु प्राप्त करने के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ये विधियां धातु एवं उनमें उपस्थित अशुद्धियों के गुणों में अंतर पर निर्भर करती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, या उनमें क्रियाशील पदार्थ बनाने का डिफरेंस, या अवशोषण का अंतर। किसी न किसी प्रकार का अंतर के आधार पर हमने इन विधियों के द्वारा उनका शोधन किया। इसमें है आसमन, द्राव गलन परिष्करण, वैद्युत अपघटन, मंडल परिष्करण, वाष्प प्रवस्था परिष्करण, वर्ण लेखिकी क्रोमेटोग्राफी विधि। आसवन, यह विधि कम क्वथनांक वाली धातुओं जैसे जिंक तथा पारद के लिए बहुत उपयोगी है। जिंक और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत करके शुद्ध धातु को आसुत के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। द्राव गलन परिष्करण, इस विधि में कम गलनांक वाली धातु जैसे टिन को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिससे अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। तो यह विधि जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट कम है, टिन जैसी धातुओं के लिए प्रयुक्त होता है। वैद्युत अपघटनी शोधन, इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं। जो भी हमने अभी तक धातु का निष्कर्षण किया सांद्रण के बाद, जिस तरह से भी उसका अपचयन करके निष्कर्षित किया, उस अशुद्ध धातु का एनोड बना लेंगे। उसी धातु की शुद्ध धातु पट्टी को कैथोड के तरह प्रयुक्त करते हैं। इन्हें एक उपयुक्त वैद्युत अपघटनी विश्लेषित्र में रखते हैं, जिसमें उसी धातु का लवण घुला रहता है। अधिक क्षारकीय धातु विलयन में रहती है तथा कम क्षारकीय धातु एनोड पंक में चली जाती है। इस प्रक्रम की व्याख्या वैद्युत विभव की धारणा, अधिविभव व गिब्स ऊर्जा के द्वारा भी की जाती है। इसमें यह अभिक्रियाएं होती हैं, एनोड पर ऑक्सीकरण देख रहे हैं, मेटल से Mn पॉजिटिव आयन प्लस n इलेक्ट्रॉन, एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होगा। वही Mn पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में आया है वो n इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन के द्वारा हमें धातु प्राप्त होगी, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। तांबे का शोधन वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है। अशुद्ध कॉपर एनोड के रूप में तथा शुद्ध कॉपर पत्री कैथोड के रूप में लेते हैं। कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन वैद्युत अपघटनी होता है तथा वैद्युत अपघटन की वास्तविक परिणाम स्वरूप शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। ये देख रहे हैं रिएक्शन में एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर से कॉपर टू प्लस आयन, जो अशुद्ध रॉड हमने कॉपर की ली थी उसमें से कॉपर टू प्लस आयन बनके सॉल्यूशन में आया, ऑक्सीकृत हुआ, और कैथोड पर सॉल्यूशन में जो कॉपर टू प्लस आयन है वो अपचयित होकर कॉपर मेटल के रूप में कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। फफोलेदार कॉपर से अशुद्धियाँ एनोड पंक के रूप में जमा हो जाती हैं, जिसमें एंटीमनी, सिलेनियम, टेल्यूरियम, चांदी, सोना तथा प्लैटिनम मुख्य होती हैं। तो ये अशुद्धियां भी हमारे लिए काफ़ी काम की हैं। अगर हम इन अशुद्धियों का भी निष्कर्षण कर लें तो ये जो कॉस्ट हमें मेटलर्जी में लग रही है वो इफेक्टिवली हम निकाल पाएंगे। इन तत्वों की पुनः प्राप्ति से शोधन की लागत की क्षतिपूर्ति हो सकती है। जिंक का शोधन भी इसी प्रकार से किया जाता है। जिस तरह से हमने कॉपर की इम्प्योर रॉड को एनोड बनाया, ऐसे ही जिंक की इम्प्योर रॉड को एनोड बनाएंगे और जिंक की प्योर रॉड का कैथोड होगा और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर हमें प्योर जिंक कैथोड के ऊपर मिलेगा। अब देखते हैं मंडल परिष्करण। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर एक वृत्ताकार गतिशील तापक लगा रहता है। इस चित्र में देखें, ये
ये हमने अशुद्ध धातु की छड़ ली और इसे हमने उत्कृष्ट गैस के वातावरण में यहाँ रखा हुआ है और ऊपर ये तापक लिया हुआ है। तापक को हम आगे बढ़ाएंगे, वो हिस्सा रॉड का मेल्ट होता जाएगा और पीछे का हिस्सा वापस क्रिस्टलाइज होगा और ये जो गलित अवस्था होगी, मोल्टन फॉर्म जो रॉड के अंदर मेटल का होगा, वहाँ सारी इम्प्योरिटीज़, सभी अशुद्धियाँ उसमें एकत्रित हो जाती हैं, क्योंकि उनकी विलयता गलित में अधिक है और क्रिस्टल में नहीं है। तो क्रिस्टलाइन पार्ट प्योर होता जाएगा और ये गलित अवस्था आगे आगे बढ़ने के साथ इम्प्योरिटी उसके साथ चलती जाएगी। इस तरह से पीछे का हिस्सा प्योर होता जाएगा। तापक जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, गलित से शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाती है तथा अशुद्धियाँ संगलन गलित मंडल में चली जाती हैं। इस क्रिया को कई बार दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं। एक ही दिशा में क्यों चलाया? क्योंकि हमने सारी अशुद्धियों को उस तापक के साथ साथ एक किनारे पे इकट्ठा कर लिया और फिर वापस से तापक को निकाल के आगे से पीछे की तरफ चलाया, हर बार आगे से पीछे की तरफ चलाया, जिससे कि पीछे की तरफ सारी अशुद्धियाँ इकट्ठी हो गई और हमें एक तरफ ही सारी अशुद्धियाँ मिल गई और छड़ का वो हिस्सा हम काट देंगे, इससे हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। अशुद्धियाँ छड़ के एक किनारे पर एकत्रित हो जाती हैं, इसे काट कर अलग कर लिया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों तथा अन्य अति शुद्ध धातुओं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम तथा इंडियम को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। जहां ज़्यादा प्योरिटी वाले हमें सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स चाहिए, उनके लिए ये मेथड काम में लिया जाता है। अति शुद्ध धातु हमें यहाँ प्राप्त होगी। फिर है वाष्प प्रवस्था परिष्करण। इस विधि में धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित किया जाता है तथा दूसरी जगह एकत्रित कर लेते हैं। इसके बाद इसे विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए दो आवश्यकताएं होती हैं, एक तो यह कि उपलब्ध अभिकर्मक के साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती हो तथा वाष्पशील पदार्थ आसानी से विघटित हो सकता हो, जिससे धातु आसानी से पुनः प्राप्त की जा सके। उदाहरण के लिए देखें निकेल शोधन का मॉन्ड प्रक्रम। इस प्रक्रम में निकल को कार्बन मोनोक्साइड के प्रवाह में गर्म करने से वाष्पशील निकल टेट्राकार्बोनिल संकुल बन जाता है। यहाँ हमने अशुद्ध निकल लिया और इसको उस कार्बन मोनोक्साइड के साथ गर्म किया 350 केल्विन तक, तो निकल टेट्राकार्बोनिल ये कॉम्प्लेक्स बन गया और ये कॉम्प्लेक्स हाई टेम्परेचर पर विघटित हो जाएगा, जिससे हमें प्योर निकल प्राप्त होगा। इस कार्बोनिल को और अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जिससे कि यह विघटित होकर शुद्ध धातु दे देता है। इस रिएक्शन में देख रहे हैं निकल टेट्राकार्बोनिल को 450 से 470 केल्विन पर गर्म करने से हमें निकल तथा कार्बन मोनोक्साइड प्राप्त होती है। इस तरह से ये प्योर निकल मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा प्राप्त हुआ। जर्कोनियम या टाइटेनियम शोधन के लिए वान आर्कल विधि। यह विधि जर्कोनियम तथा टाइटेनियम जैसी कुछ धातुओं से अशुद्धियों की तरह उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन को हटाने में बहुत उपयोगी है। परिष्कृत धातु को निर्वातित पात्र में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। यहाँ हमने धातु को आयोडीन के साथ गर्म किया। धातु आयोडाइड अधिक सहसंयोजी होने के कारण वाष्पीकृत हो जाता है। जिर्कोनियम का आयोडीन से रिएक्शन कराई और ये जिर्कोनियम टेट्राआयोडाइड जो बना है, यह अधिक सहसंयोजी होने के कारण आसानी से वाष्पीकृत होता है। धातु आयोडाइड को विद्युत धारा द्वारा 1800 केल्विन ताप पर गर्म किए गए टंगस्टन तंतु पर विघटित किया जाता है। इस प्रकार से शुद्ध धातु तंतु पर जमा हो जाती है। जिर्कोनियम टेट्राहाइड्राइड को जब हमने इतने हाई टेम्परेचर पर टंगस्टन फिलामेंट पे गर्म किया, तो ये डिकम्पोज होके प्योर जिर्कोनियम और आयोडीन दे देगी। इस प्रकार हमें प्योर जिर्कोनियम या प्योर निकल ये वेपर फेज रिफाइनिंग से प्राप्त हुआ। आखिर में देखें वर्णलेखिकी क्रोमेटोग्राफी विधियाँ। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है। मिश्रण को द्रव या गैसीय माध्यम में रखा जाता है जो कि अधिशोषक से गुजरता है। स्तंभ में विभिन्न घटक भिन्न भिन्न स्तरों पर अधिशोषित हो जाते हैं। बाद में अधिशोषित घटक उपयुक्त विलायकों निक्षालक द्वारा निक्षालित कर लिए जाते हैं, क्योंकि
रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर एड्सॉर्ब हो गए, फिर इल्यूटिंग सॉल्वेंट द्वारा हम उसको एड्सॉर्बेंट में से निकाल लेते हैं। गतिशील माध्यम की भौतिक अवस्था, अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति एवं गतिशील माध्यम के गमन के प्रक्रम पर निर्भर होने के कारण इसे वर्णलेखिकी नाम दिया जाता है। इस प्रकार की एक विधि में कांच की नली में Al2O3 का स्तंभ बनाया जाता है। गतिशील माध्यम जिसमें अवयवों का विलयन होता है द्रव प्रावस्था में होता है। स्तंभ वर्णलेखिकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी सूक्ष्म मात्रा वाले तत्वों के शुद्धिकरण और शुद्ध किए जाने वाले तत्व तथा अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में अधिक भिन्नता न होने की स्थिति में शुद्धिकरण के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। जहां बहुत कम मात्रा में हमें कोई चीज़ का एक्सट्रैक्शन करना है या जहां दो इम्प्योरिटी और मेटल के बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल अंतर नहीं है, वहां क्रोमेटोग्राफिक मेथड बहुत उपयोगी है। अनेक वर्णलेखिकी तकनीक हैं, जैसे पेपर वर्णलेखिकी, स्तंभ वर्णलेखिकी, गैस वर्णलेखिकी आदि। इसमें हम प्रयोगशाला में जो काम में लेते हैं, देखिए ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जहाँ पर एक कॉलम जिसके अंदर एड्सॉर्बेंट Al2O3 भरा है, ये स्थिर अवस्था है, और यहाँ हम जो भी हमें मेटल को प्योरीफाई करना है उस मेटल का सोल्यूशन यहाँ से डाला, यौगिकों का मिश्रण डाला, इम्प्योरिटी और मेटल अलग अलग जगह पे एड्सॉर्ब होंगे। जैसे देखिए ये अलग अलग बैंड्स मिल रहे हैं, ये अलग अलग जगह पे एड्सॉर्ब हो गए, फिर किसी इल्यूटिंग सॉल्वेंट द्वारा हम इसे निक्षालित कर लेते हैं। तो जो नीचे बैंड आ रहा है वो पहले निक्षालित होगा, उसे अलग कर लीजिए, और जो मान लीजिए बाद में एड्सॉर्ब हुई हुई चीज़ है वो अलग बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग। एल्यूमिनियम पन्नी का उपयोग चॉकलेट के लिए आवरण पत्र रैपर के रूप में होता है। धातु की सूक्ष्म धूली का उपयोग प्रलेपों, पेंट व प्रक्षालों, रोगन में किया जाता है। एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग विद्युत चालकों के रूप में किया जाता है। एल्यूमिनियम युक्त मिश्रातु हल्की होने के कारण बहुत उपयोगी होती हैं। कोई भी एलॉय एल्यूमिनियम के साथ बनाया जाए दूसरे मेटल को मिलाकर, तो वो हल्की होने के कारण कई जगह प्रयोग में ली जाती हैं। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण एल्यूमिनियम का उपयोग क्रोमियम तथा मैंगनीज के ऑक्साइड से उनके निष्कर्षण में किया जाता है। तांबे का उपयोग विद्युत उद्योग में तार बनाने तथा जल और भाप के लिए पाइप बनाने में होता है। इसका उपयोग कई प्रकार के मिश्र धातुओं में भी किया जाता है जो धातु से अधिक कठोर होती हैं, जैसे पीतल। जिंक के साथ कॉपर का अगर एलॉय बनाया जाए तो अधिक कठोर पीतल प्राप्त होगा। टिन के साथ यदि एलॉइंग की जाए तो कांसा प्राप्त होगा, तथा मुद्रा मिश्र धातु निकल के साथ, निकल के साथ कॉपर मिलाने पे मुद्रा मिश्र धातु प्राप्त होती है। जिंक का उपयोग जस्तेदार लोहा बनाने में किया जाता है। व्यापक मात्रा में इसका उपयोग बैटरियों में, कई मिश्र धातु घटकों में जैसे पीतल, वहाँ कॉपर 60%, जिंक 40%, तथा जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल के मिश्रण से प्राप्त होता है। यशद रज का उपयोग रंजक सामग्री प्रलेप आदि के उत्पादन में अपचायक के रूप में किया जाता है। ढलवां लोहा, जो कि लोहे का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, इसका उपयोग स्टोवों, रेलवे स्लीपरों, गटर पाइपों तथा खिलौनों आदि को ढालने में होता है। इसका उपयोग पिटवा लोहा तथा इस्पात को बनाने में किया जाता है। पिटवा लोहे का उपयोग लंगरों, तारों, बेल्टों, चेनों तथा कृषि उपयोगी उपकरणों के बनाने में किया जाता है। स्टील इस्पात के अनेक उपयोग हैं। जब इसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं तो मिश्रातु इस्पात प्राप्त होता है। निकल इस्पात का उपयोग रस्से बनाने, स्वचालित वाहनों तथा हवाई जहाजों के हिस्से, लोलक मापक फ्रीतों, कटाई के औजारों तथा संदलन मशीनों के बनाने में, और स्टेनलेस स्टील का उपयोग साइकिलों, स्वचालित वाहनों, बर्तनों तथा पैनों इत्यादि में किया जाता है। इस प्रकार हम समराइज वे में देखें तो एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट, क्रायोलाइट हैं। निष्कर्षण की सामान्य विधि में गलित Na3AlF6 में विलय Al2O3 का विद्युत अपघटन, और निष्कर्षण के लिए विद्युत के अच्छे स्रोत की आवश्यकता होती है।
हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा हम एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कर रहे हैं। आयरन देखा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसकी ऑक्साइड ओर हैं, Fe2O3, Fe3O4। वात्या भट्टी में CO तथा कोक के साथ ऑक्साइड का अपचयन, यहाँ 2170 के आसपास तापमान होना चाहिए। कॉपर की जो ओर्स हैं वो कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लैंड Cu2S, मेलेकाइट CuCO3, CuOH2, क्यूपराइट Cu2O। सल्फाइड अयस्क का आंशिक भर्जन तथा अपचयन किया जाता है। यह विशेष रचना के बने परिवर्तक में स्वतः अपचयन है, क्योंकि हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड की रेखा एलिंगम डायग्राम में सबसे ऊपर होती है, इसका अपचयन सबसे आसान है। निम्न कोटि के अयस्कों के हाइड्रो धातु कर्म में सल्फ्यूरिक अम्ल निक्षालक का भी उपयोग होता है। जिंक की ओर देखें तो जिंक ब्लेंज, कैलमीन और जिंकाइट। भर्जन तत्पश्चात कोक द्वारा अपचयन। धातु का शोधन प्रभाजी आसमन, क्योंकि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है अतः प्रभाजी आसमन द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार इस पाठ से हमने जाना अयस्क क्या है, वह पदार्थ खनिज जिसके द्वारा हम स्रोत के रूप में धातु को निष्कर्षण के काम में लेते हैं, अपयस्क क्या है और निष्कर्षण में कौन कौन से मुख्य पद हैं। पहला पद है अयस्क का सांद्रण, दूसरा पद है धातु का पृथक्करण और तीसरा पद है धातु का शोधन। इसमें हमने सांद्रण में कौन कौन सी विधियां काम में ली, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो कि सल्फाइड अयस्कों के लिए काम आता है। उसके बाद ऑक्साइड को में परिवर्तन किया। ऑक्साइड को अपचयित करना आसान होता है अतः भर्जन तथा निस्तापन के द्वारा हम उसे ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। फिर ऑक्साइड का अपचयन, अपचयन में हमने ऊष्मा गति की सिद्धांत के द्वारा यह सीखा कि कौन सा अपचायक सबसे अच्छा ऑक्साइड को अपचयित करने का कार्य करेगा। यह एलिंगम डायग्राम में डेल्टा जी नॉट कपल्ड रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट में जितना नेगेटिव डेल्टा जी नॉट आएगा या डायग्राम में रेखाओं के बीच में जितना अंतर होगा उतना ही नीचे वाला तत्व, नीचे आने वाली रेखा का तत्व ऊपर के ऑक्साइड को आसानी से अपचयित कर पाएगा। अपचयन के बाद हमने धातु का शोधन देखा और शोधन के लिए हमने कई विधियां काम में ली, जिसमें हमने डिस्टिलेशन, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जैसे जिंक, उसमें डिस्टिलेशन मेथड काम में लिया। और उसके बाद वेपर फेज रिफाइनिंग में देखा मॉन्ट्स प्रोसेस, वान आर्कल्स मेथड के द्वारा हम निकल, जिरकोनियम आदि का शोधन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस करा के हम इम्प्योर रॉड से मेटल को कैथोड के रूप में, प्योर मेटल के रूप में प्राप्त करते हैं। और क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जहां बहुत कम मात्रा में पदार्थ हो या पदार्थों के रासायनिक गुणों में बहुत कम अंतर हो वहां हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड के द्वारा उनका सेपरेशन करते हैं। इसमें एक लिक्वेशन का मेथड, जहां बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वहां टिन जैसे मेटल को हम शुद्ध बना सकते हैं। इसके बाद आखिर में हमने लोहे, तांबे, जिंक के उपयोग के बारे में भी देखा और एल्यूमिनियम के उपयोगों के बारे में सीखा। मिलते हैं किसी अन्य अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।